नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। होंडा अमेज का नया फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस आपको दिखने वाले हैं होंडा अमेज के नए फेसलिफ्ट में। जो भी उसके कॉस्मेटिक्स चेंज हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही जो उसके प्राइजेज आए हैं, वेरियंट्स, कौन कौन से वेरियंट्स आपको मिलेंगे, क्या प्राइस रहेगा वेरियंट्स में, और आपको ट्रांसमिशन कौन सा मिलने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेंज से। तो अगर आप इसके फ्रंट लुक की बात करेंगे तो इसमें आपको क्रोम की जो ग्रिल्स की लेयर है वो देखने को मिलेगी, जो थोड़ी बहुत चेंज करी है। यहाँ पे आपको 3 लेयर देखने को मिलेंगी आगे की साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। जो क्रोम दी गई है कार में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग LED लाइट्स देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही नहीं, आपको ये ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं रियर साइड की बात करूं तो उसमें भी आपको LED टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो उसका फॉग लैम्प है वो भी आपको LED फॉग लैम्प्स मिलेंगे। तो इसमें जितनी भी लाइट्स है वो अपग्रेड कर दी गई है होंडा की तरफ से। तो जो इसकी नई लाइट्स है होंडा में इसकी, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक दे रही हैं इसको। एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नए चेंजेस होंडा अमेज के नए लुक को। अगर बात करें इंटीरियर की कि क्या चेंजेस मिलने वाले हैं आपको इंटीरियर में, तो इंटीरियर में जो डैशबोर्ड है वहां पे एक सिल्वर फिनिश एड करी गई है, जस्ट वो थोड़ा सा प्रीमियम सा टच दे सके इंटीरियर को होंडा अमेज के। नाउ बात करने अगर व्हील की, तो यहाँ पर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसी के साथ साथ इंटीरियर में आपको थोड़ा बहुत क्रोम का भी वर्क मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा लग रहा है देखने में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से वेरिएंट हमें मिलने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली प्राइस होने वाला है होंडा अमेज का। होंडा अमेज एक अच्छी खासी अफोर्डेबल सी सिडान है, जो कि अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, और काफी लोग इसको लेना भी पसंद करते हैं। बेसिकली किसी को अगर फैमिली कार चाहिए, स्पेस चाहिए कार में, तो वो होंडा अमेज को लेता है, क्योंकि आपको इसमें लुक्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, सेफ्टी भी आपको अच्छी मिल रही है, 4-स्टार रेटिंग मिलती है ग्लोबल एनकैप की तरफ से आपको इसमें। तो ये सेफ भी हो जाती है, आपको अच्छे खासे इसमें लुक्स भी देखने को मिल जाते हैं, स्पेस तो इसमें है ही क्योंकि एक सेडान है, तो अच्छी खासी आपको स्पेस भी मिल रही है। तो बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस रहने वाला है सारे ही वेरियंट्स का। आपको इसमें एक और चीज बता दूं कि इसमें जो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक, बेसिकली CVT जो मिलने वाला है वो दोनों ही ऑप्शन में मिलने वाला है। मतलब आपके पास वो पेट्रोल वेरिएंट्स में भी रहेगा और डीजल वेरिएंट्स में भी रहेगा। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से इंजन है, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, साथ ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इंजन ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। नाउ अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, तो जहां पर आपको पेट्रोल के मैनुअल ट्रांसमिशन में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, वहीं CVT में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और अगर मैं डीजल की बात करूं, तो डीजल में आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन में, लेकिन CVT में सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं इन वेरिएंट्स की कि कौन कौन से वेरिएंट्स होने वाले हैं और एग्जैक्टली क्या क्या प्राइस होने वाला है। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम मैनुअल ट्रांसमिशन की पेट्रोल वेरिएंट में। बेसिकली जो पेट्रोल का सबसे बेस वेरिएंट है अमेज ई, वो आपको पड़ेगा 6,32,000 का एक्स शोरूम प्राइस। नाउ इससे अगर अपर वेरिएंट की बात करें तो वो होने वाला है न्यू अमेज एस, इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 7,16,000 का, ये भी एक शोरूम प्राइस है। नाउ अगर मैं टॉप ट्रिम की बात करूं मैनुअल में, पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे टॉप है वो है इसका न्यू अमेज VX वेरिएंट, और इसका जो प्राइस है वो है 8,22,000। तो ये तीनों प्राइस थे मैनुअल वेरिएंट्स के। नाउ अगर हम बात करें CVT में, तो CVT में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे जो अगर मैं बेस मॉडल से बात करूं तो इसमें बेसिकली बेस नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है न्यू अमेज एस। तो उसका जो प्राइस पड़ने वाला है वो पड़ने वाला आपको 8,06,000 एक्स शोरूम, और वहीं पर अगर मैं इसके टॉप वेरिएंट की बात करूं तो वो आपको पड़ने वाला है 9,05,000, जिसको बेसिकली बोलते हैं न्यू अमेज VX। तो ये CVT का प्राइस है। अब बात करते हैं डीजल में कि डीजल में आपको कितने का प्राइस पड़ने वाला है। अगर स्टार्ट करें हम बेस वेरिएंट से, तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है आपका
8,66,500 रुपीज से ये इसका शोरूम प्राइस है। ना अगर हम इसके अपर वेरिएंट में जाते हैं जो कि है न्यू अमेज एस, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 9,26,000। अगर हम बात करें टॉप ट्रिम की जो बेसिकली है न्यू अमेज VX, इसका प्राइस आपको पड़ेगा 10,25,000। तो एज मैंने आपको बताया कि मैनुअल में डीजल में आपको तीन वेरिएंट मिलेंगे, बट CVT में सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट मिल रहा है जो कि है न्यू अमेज VX, और इसका जो प्राइस है वो है 11,15,000। तो ये थे सारे प्राइस सारे ही वेरियंट्स के जो आपको मिलने वाले हैं अमेज में। आपने नोटिस किया होगा कि जो एक वेरियंट इनका पहले आता था वो अब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। नाउ अगर मैं बात करूं कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको रेयर व्यू मल्टी कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल ऑप्शन रहेगा, और उसी के साथ पैडल शिफ्ट जैसा और पुश स्टार्ट बटन, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपके पास फीचर्स में। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं जो आप अपनी कार में लगवा सकते हैं एज पर योर चॉइस, जैसे कि आपको वायरलेस कैमरा, स्पेशल क्रोम एक्सेसरीज किट, ये सब आपके पास ऑप्शन रहेगा जब आप जाएंगे वहाँ पे, तो वो आपकी मर्जी है। आपको लगवाना है तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं कंपनी से, नहीं तो आप अब मना भी कर सकते हैं, तो वो आपकी टोटली चॉइस रहेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन नई अमेज के फेसलिफ्ट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वी विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई किया जाए या उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।